हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीगन को ड्रॉ करना और पॉली लाइंस को ड्रॉ करना जावा के अंदर। किस तरीके से जावा के अंदर आप पॉलीगन्स को ड्रॉ कर सकते हैं और पॉली लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। तो पॉलीगन कोई भी क्लोज्ड शेप या कोई भी क्लोज्ड जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि अगर इस तरीके से एक शेप है तो ये हमारा पॉलीगन कहलाएगा। अगर इस तरीके से हमारी जो शेप है ये हमारा पॉलीगन कहलाएगा। अगर इस तरीके से हमारी कोई शेप है तो ये भी हमारा पॉलीगन कहलाएगा। लेकिन अगर हमारी शेप जो ऐसे है तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इस तरीके से तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन शेप है। लेकिन कोई भी क्लोज्ड शेप होती है, कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। पॉली लाइंस क्या होती है कि दो से अधिक पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइंस होती है वो अपनी पॉली लाइन कहलाती है। जैसे कि एक लाइन तो हमारी क्या होती है? सिंपल दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली, एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को। लेकिन पॉली लाइन क्या कहलाती है? जैसे कि हमारी मल्टीपल पॉइंट्स को जोड़ने वाली, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ने वाली। ठीक है कि एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो यहाँ पे पांच पॉइंट्स हो गए कनेक्ट कर रही है। तो इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉली लाइन। तो ये तो होता है पॉलीगन और पॉली लाइन। अब हम समझते हैं कि कैसे हम जावा के अंदर पॉलीगन और पॉली लाइन को ड्रॉ करते हैं। जावा के अंदर पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए एक मेथड होता है ड्रॉ पॉलीगन। एप्लेट के अंदर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है फिल पॉलीगन। ड्रॉ पॉलीगन जो मेथड होता है वो हमारा ड्रॉ पॉलीगन। ड्रॉ पॉलीगन मेथड जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि एक पॉलीगन ड्रॉ करता है लेकिन वो खाली होता है, मतलब सिर्फ शेप शेप ड्रॉ करता है। और फिल पॉलीगन होता है एक हमारा दूसरा मेथड होता है फिल पॉलीगन। फिल पॉलीगन क्या करता है हमारा फिल पॉलीगन क्या करता है हमारा कि पॉलीगन तो ड्रॉ करता है लेकिन वो क्या होता है हमारा भरा हुआ होता है, मतलब उसके अंदर कुछ कलर भरा हुआ होता है। और अब उस वो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड के थ्रू, या बैकग्राउंड कलर के थ्रू, या फिर और कोई कलर देकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पॉलीगन्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉली लाइन की। तो पॉली लाइन के लिए जो मेथड होता है वो होता है ड्रॉ पॉली लाइन। ठीक है, ड्रॉ पॉली लाइन मेथड होता है। तो उसके अंदर हम इसकी पॉली लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ पॉलीगन के अंदर इस जो मेथड है हमारा ड्रॉ पॉलीगन, इसके अंदर हमारे तीन पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। एक तो पास किए जाते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स, वाई के कोऑर्डिनेट्स और नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ड्रॉ पॉलीगन मेथड होता है इसके अंदर तो हम पास करते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट्स और नंबर ऑफ पॉइंट्स। कि जैसे मान लो सपोज करो कि वो जो ट्रायंगल कोई शेप बना रही है, तो ट्रायंगल के अंदर हमारे तीन पॉइंट्स होंगे। तो तीनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स, तीनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स और तीनों कितने पॉइंट है, तो तीन। तो यहाँ पर इस तरीके से तीन पैरामीटर पास किए जाते हैं। सेम फिल पॉलीगन में होता है एक्स के कोऑर्डिनेट्स, वाई के कोऑर्डिनेट्स और नंबर ऑफ पॉइंट्स। सेम ड्रॉ पॉली लाइन के अंदर होता है एक्स के कोऑर्डिनेट्स, वाई के कोऑर्डिनेट्स एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए देखिए, जैसे सबसे पहले ये एप्लेट है तो हमने लिए। तो एप्लेट बनाने के लिए सबसे पहले हम जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार इस पैकेज को हम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम एप्लेट पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने एक एप्लेट पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में मैंने इसी के अंदर जो एप्लेट जो हमारा एचटीएमएल में जो कोड लिखा जाता है वो मैंने इसी नोटपैड के अंदर सेम फाइल में, जावा वाली फाइल में ही लिख लिया। उसको कमेंट्स में कर दिया, लिख दिया कमेंट्स में लिख दिया
इस तरीके से। और जो मेरी क्लास का नाम है वो मैंने लिया है पॉलीगन एक्स, यानी पॉलीगन एग्जाम्पल करके, तो पॉलीगन एक्स करके मैंने उस क्लास का नाम लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने बनाई पब्लिक क्लास पॉलीगन एक्स एक्सटेंड्स एप्लेट। और ये जो मैंने यहाँ पे एप्लेट का जो टैग लिया है, यहाँ पे मैंने कोड में तो लिख दिया हमारी क्लास का नाम, विड्थ उसकी 600 दे दी और हाइट मैंने उसकी 400 दे दी, ठीक है। तो जो हमारी एप्लेट विंडो जो ड्रॉ होगी, जो क्रिएट होगी, वो उसकी जो विड्थ होगी वो 600 होगी और हाइट होगी उसकी 400, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम एक्स के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेंगे और वाई के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक एरे लेंगे। तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने एक एरे ली, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए हमें एक ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल के लिए क्या होगा कि जैसे यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना था ये, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल के इसमें 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर जैसे हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, तो ये हो गया हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। तो ए बी सी के पॉइंट्स को हमें लेना है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट के, यहाँ पे जो ए पॉइंट है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, जैसे सपोज कीजिए मैंने 20 ले लिया, तो यहाँ मैंने बी के ले लिया मैंने 50, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। और फिर सी का ले लिया मैंने और उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 80, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ वाई की, तो वाई की कोऑर्डिनेट जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऊपर है और ये नीचे है, तो जैसे या तो मैं इसको, अगर मुझे ये ऊपर बनाना है तो ये मेरा हो जाएगा 50 और ये मेरा इस तरीके से। यदि मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एप्लेट विंडो होती है ना, वो हमारी इस तरीके से होती है। मैं इधर यहाँ न्यू ले लेती हूँ। जैसे हमारी जो एप्लेट विंडो होती है ना, वो इस तरीके से होती है। ये जो होता है हमारा वाई एक्सिस और यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हमारी जो शेप है वो इस तरीके से बनती है। तो ये ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, तो ये जो हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा, जैसे सपोज करो 20, तो ये मैंने 50-50 ले लिया, या 60-60 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये डिजाइन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक्स के पॉइंट, जैसे मैंने कि अभी डिसाइड किए थे कि सबसे पहला होगा ए का 20, फिर देन 50 एंड देन उसके बाद में 80। उसके बाद में अब हम वाई के लिए कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करेंगे। तो वाई के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो हमारे हो जाएंगे, सबसे पहले जो मैं ए के लिए होगा, तो ए के लिए सपोज कीजिए मैंने ले लिया 60, फिर बी के लिए वही मैंने थोड़ा कम लेना पड़ेगा तो मैं ले लेती हूँ 20, फिर सी, दोनों सेम ही उस पे होंगे लेवल पे ए और सी, तो वो वापस से 60 हो जाएगा मेरा। तो इस तरीके से ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, ये तो मेरे हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब हम बात करते हैं कि मुझे पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, ये पेंट मेथड होता है, इसमें अपन ग्राफिक्स जो क्लास होती है उसका हम जी ऑब्जेक्ट जो है उसमें पास करते हैं। तो जी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे हमारे जो पेंट पॉलीगन मेथड है उसको कॉल करेंगे। तो ड्रॉ पॉलीगन यहाँ पे अब हम पास करेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा, और चूंकि हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 3 कोऑर्डिनेट, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, तो 3 पॉइंट्स है, तो इसलिए मैंने ये पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया मेरा जी डॉट ड्रॉ पॉलीगन। अब मैं इसको रन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। जावा सी पॉलीगन ex डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल हो गया मेरा प्रोग्राम। अब हम रन कराएंगे एप्लेट व्यूअर पॉलीगन एक्स डॉट जावा। एप्लेट व्यूअर की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। तो इसको हम दोबारा कराएंगे, एप्लेट VIEWER पॉलीगन एक्स
एक्स जवाब एक सेकेंड यहाँ पे एन आएगा। ये देखिए आप हमारा यहाँ पे एप्लेट विंडो ड्रा हो गई और एप्लेट विंडो के अंदर हमारा जो ट्राइंगल है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यही हमने एक्सपेक्ट किया था आउटपुट और यही हमारा आ रहा है, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि मुझे है ना रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल के लिए सपोज कीजिए जैसे कि मेरा जो पॉइंट्स होंगे वो किस तरीके से होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको तो मिटा देती हूँ, ठीक है। अब यह रेक्टेंगल जिसे अगर मुझे बनाना है सपोज कीजिए, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। तो ए के लिए मेरे जो पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स के अगर होंगे तो बी के लिए सेम होंगे, फिर वहां पे सी के लिए जो होंगे वो डी के लिए सेम होंगे। ऐसे वाई के लिए अगर हम देखते हैं तो ए के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो डी के लिए सेम होंगे और डी के जो होंगे वो सी के सेम होंगे। तो अपन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 20 ले लिया एक्स का और यहाँ ले लिया मैंने 60 ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया मान लीजिए वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने ले लिया क्या वही 20 60 का मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा तो यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक्स के कोऑर्डिनेट ले लिए 20 ए के लिए, फिर बी के लिए ले लिए मैंने 60, फिर सी के लिए ले लिए मैंने वापस से एक्स का कोऑर्डिनेट लेंगे तो नहीं, यहाँ पे देखिए एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो तो ए और बी के लिए तो सेम रहेगा, ठीक है, 20 20, और सी के लिए हो जाएगा 60 और फिर डी के लिए 60। अब यहाँ पे देखिए वाई का जो कोऑर्डिनेट है स्टार्टिंग में ए के लिए हो जाएगा 20 और बी के लिए हो जाएगा 60, फिर उसके बाद में सी के लिए फिर वापस से सेम हो जाएगा 60 और डी के लिए हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको एक्स वाई 4 कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रन कराती हूँ तो क्या रन करते हैं, मैंने ये रन कंपाइल करा दिया तो कंपाइल हो गया मेरा प्रोग्राम। अब मैं इसको रन कराती हूँ, तो ये मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी शेप हम डिजाइन कर सकते हैं पॉलीगन के थ्रू, ड्रॉ पॉलीगन के थ्रू। अब यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि मुझे फिल पॉलीगन बनाना है, जैसे कि यहाँ पे ये ड्रॉ पॉलीगन था, अब मैं यहाँ पर ही इधर नीचे इधर जी डॉट फिल पॉलीगन एक्स वाई कोमा, अब मैं जब यहाँ पे फिल पॉलीगन मेथड यूज करती हूँ तो आप देखिएगा कि ये जो हमारा पॉलीगन बनेगा वो हमारा पॉलीगन बनेगा भरा हुआ, यानी कि उसमें कलर आएगा पहले से, तो आएगा उसके अंदर। यहाँ मैंने ये कंपाइल करा लिया इसको, मैंने इसको रन करा लिया, तो ये देखिए आप मेरा पॉलीगन है वो अब भरा हुआ है, ठीक है। वो क्या है कि दो पॉलीगन आने चाहिए थे पर मैंने क्या है सेम ही स्पेस पे दे दिए तो वो सेम आ रहा है। इसको हम देखो मैं अलग अलग कर देते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे नोटपैड में हमारा जो है ये पॉइंट्स जो है मैं इसको अलग अलग दे देती हूँ। जैसे सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे दिए अब x1 मैं यहाँ पे क्या है 20 और 60 का चल रहा है ना, तो हम ले लेते हैं 80 या 100 ले लेते हैं, 100 कॉमा 100 कॉमा 160 कॉमा 160, ठीक है। ये हो गया, फिर यहाँ पे हम y y के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं y1
यहाँ सेम वही 160 कॉमा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 100, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 160 कॉमा 160 कॉमा 100। अब यहाँ पे एक्स वन और वाई वन कर देते हैं यहाँ पे जो हमारी एरे है, ठीक है, और इसको अब हम रन कराते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमारे दो पॉलीगन्स बनेंगे, एक तो हमारा जो ड्रॉ पॉलीगन से बनेगा वो खाली पॉलीगन बनेगा, और दूसरा जो पॉलीगन बनेगा वो हमारा भरा हुआ बनेगा जो फिल पॉलीगन के थ्रू बनेगा। तो यहाँ देखिए आप, एक तो हमारा ड्रॉ पॉलीगन से बनाया, दूसरा हमारा फिल पॉलीगन से बनाया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने डिफरेंट दिए थे, ठीक है। तो ये तो हमारा होता है पॉलीगन को ड्रॉ करने का। तीसरा होता है हमारा पॉली लाइन। तो पॉली लाइन्स के लिए जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैं पॉइंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 20, 20 और 60 लिया है ना, तो मैं इसको बस ये जैसे कि एक ही सिंगल ही मैं ले लेती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये मेरा पूरा क्लोज हो रहा है, तो मैं एक नई एरे ले लेती हूँ, ठीक है, इंट एक्स वन नहीं आ गया, फिर हम ले लेते एक्स टू, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स ले लेती हूँ, सपोज कीजिए मैं ले लेती हूँ, इनको मैं हटा देती हूँ यहाँ पे, या फिर चला देते हैं यहाँ पे, मैं ले लेती हूँ इसको 180 कॉमा 230 कॉमा 260, ठीक है। तो ये मेरे हो गए पॉइंट्स। फिर ऐसे ही मैं वाई के कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ, इंट वाई टू कॉमा यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी ले लेती हूँ पॉइंट्स वाई के, 60 लिया है जैसे मैंने, वाई के पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे, तो मैं वाई के पॉइंट्स ले लेती हूँ यहाँ पे वही सेम 190 कॉमा 250 कॉमा 290, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर मुझे जी डॉट ड्रॉ पॉली लाइन एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा, अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, और मैं इसको जब कंपाइल कराती हूँ यहाँ पे तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट व्यूअर की विंडो को क्लोज कर दिया है, हमारे कमांड लाइन पर हम आ गए वापस से। सबसे पहले तो मैं कंपाइल करा देती हूँ प्रोग्राम को, कंपाइल करा दिया, कंपाइल हो गया, अब हम रन करा लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो हमारी पॉली लाइन है वो इस तरीके से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ बन गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम पॉलीगन्स और पॉली लाइंस को डिजाइन कर सकते हैं एंड ड्रॉ कर सकते हैं जावा के अंदर। थैंक यू।